फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि बिलीव टू बी और बिलीव टू हैव को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि बिलीव टू बी और बिलीव टू हैव में क्या फर्क है और कब हमको बिलीव टू बी और बिलीव टू हैव बोलना है। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, बिलीव टू का मतलब होता है माना जाता है या यकीन किया जाता है या फिर विश्वास किया जाता है। जैसे अगर आपको कहना हो माना जाता है कि आप एक अच्छे उस्ताद हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर बिलीव टू बी अ गुड टीचर, यानी माना जाता है या यकीन किया जाता है कि आप एक अच्छे उस्ताद हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप इजारम के साथ लिखेंगे बिलीव टू बी, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो तो आप लिखेंगे वॉज वर्ब के साथ बिलीव टू बी। उसके बाद आप वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो आप कहना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि यह एक्शन किसी दूसरे के द्वारा होता है। जैसे अगर आपको कहना हो माना जाता है कि आप एक बेईमान इंसान हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर बिलीव टू बी अ डिसऑनेस्ट मैन, यानी माना जाता है कि आप एक बेईमान इंसान हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा आर, फिर बिलीव टू बी, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन था यानी जो मुझे कहना था अच्छा बुरा, मैंने उसको बोला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आया कि इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ बिलीव टू बी, फिर जो भी आप कहना चाहें आप वहाँ पर बोल सकते हैं। माना जाता है कि तुम अमीर इंसान हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर बिलीव टू बी अ रिच मैन। माना जाता है कि आप एक अच्छा डॉक्टर हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर बिलीव टू बी अ गुड डॉक्टर। आइए फ्रेंड्स, को सेंटेंस पास्ट में देख लेते हैं। माना जाता था कि आप एक चोर थे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर बिलीव टू बी अ थीफ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बिलीव टू बी का मतलब समझ में आया। आइए अब देखें कि बिलीव टू हैव क्या है। फ्रेंड्स, बिलीव के साथ हैव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कुछ रखने की बात करते हैं। जैसे माना जाता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर बिलीव टू हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ। माना जाता है कि आपके पास जादुई ताकत है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर बिलीव टू हैव मैजिकल पावर। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि सेंटेंस में मैंने बोला है क्योंकि यहाँ मैं कुछ रखने की बात कर रहा हूँ, यानी जादुई ताकत रखना, इसीलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल हुआ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बिलीव टू बी और बिलीव टू हैव का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।